हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दो उबले हुए आलू और एक कटोरी कच्चे चावल का बहुत ही सुपर टेस्टी नाश्ता, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। फ्रेंड्स, आप इस नाश्ते को 8 से 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुपर डिलीशियस और टेस्टी नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को मैं यहाँ पर टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो वीडियोस को लाइक शेयर कीजिएगा। ये नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो उबले हुए आलू लिए हैं। फ्रेंड्स, आलू को मैंने पहले से उबाल के तैयार कर रखा था और इन्हें छील लिया था। और साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी कच्चे चावल। चावलों को मैंने 1 घंटे पहले भिगो कर लिया है। तो अब फ्रेंड्स, हम इसे पीसेंगे। तो पीसने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आलू को थोड़ा हाथ से मैश कर लेती हूँ, यानी कि मोटा मोटा तोड़ लेती हूँ, ताकि ये पीसने में आसान हो जाए। तो ये देखिए, मैंने आलू को इस तरीके से हाथ से मैश कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसे साइड में करेंगे और पीसने के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक मिक्सर जार। तो फ्रेंड्स, ये जार मैं थोड़ा बड़ा वाला ले रही हूँ। आप छोटे वाले जार में इसे नहीं पीस सकते हो, क्योंकि छोटे वाले जार में ये आएंगे नहीं, तो हमें इसे बड़े वाले जार में पीसना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चावलों को डाल देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हम चावल और आलू दोनों को एक साथ पीस कर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चावल डाल दिए हैं, उसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। तो फ्रेंड्स, हम दोनों चीज़ों को डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। तो पानी की क्वांटिटी फ्रेंड्स मैं यहाँ पर थोड़ी कम ही ले रही हूँ। अगर पीसते वक्त मेरे को ज़रूरत लगेगी तो मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी। अभी मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच पानी ऐड कर दिया है, और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। फ्रेंड्स, ये वही चम्मच है जिससे हम खाना खाते हैं, वही चम्मच मैंने यहाँ पर 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। अब हम इसे पीस लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे पीस रही हूँ, अब मैं यहाँ पर इसे चेक कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी थी, तो मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच पानी और ऐड कर रही हूँ और इसकी कंसिस्टेंसी को बराबर कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने पानी डाल के इसे एक बार फिर से पीसा है। तो ये देखिए कितना अच्छा ये स्मूथली सा बैटर बनकर तैयार हो गया है। ऐसा ही बैटर हमें नाश्ता बनाने के लिए चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम इस बैटर को बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने इसे बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है, और जो जार के अंदर बैटर लगा हुआ है उसे भी मैं इस स्पैचुला की सहायता से इस तरीके से पोंछ कर ले लेती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर बैटर को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अब हम इस बैटर में डालेंगे सबसे पहले बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, हरे धनिया की क्वांटिटी मैं यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ली हूँ, 1 कटोरी भर के हरा धनिया लिया है। और साथ ही में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 चम्मच में यहाँ पर डाल रही हूँ कच्चा जीरा, और फ्रेंड्स 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सफ़ेद तिल। ये तिल पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए, ना हो तो कोई बात नहीं। 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, और फ्रेंड्स 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नाश्ते को थोड़ा खट्टा बनाने के लिए अमचूर पाउडर। और अब हम यहाँ पर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो और फ्रेंड्स, नाश्ते में थोड़ा कलर लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। सभी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं नाश्ते को यहाँ पर हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहो तो इसे स्पून की सहायता से भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स हाथ से नाश्ता बहुत ही अच्छे से और जल्दी मिक्स हो जाता है, तो मैंने इसे हाथ से मिक्स करना थोड़ा अच्छा समझा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम नाश्ते की नेक्स्ट प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। तो ये नाश्ता अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे मैंने साइड में रख दिया है। नाश्ता फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में पहले से ऑयल गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया था, और ये देखिए ऑयल यहाँ पर मीडियम गर्म है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और नाश्ते को डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पकौड़ी वाली शेप में मैं इस नाश्ते को बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे हाथ से इसे गोल गोल उठा के डाल रही हूँ। अगर आप इस नाश्ते को हाथ से ना डालो तो स्पून से भी डाल सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पर नाश्ता थोड़ा आपस में लग रहा है कि चिपक गया है, लेकिन ये थोड़ा सा वेट करना होगा, सीखने के बाद ये नाश्ता अपने आप ही अलग हो जाएगा। हल्का सा आप इसे स्पून की सहायता से प्रेस करोगे तो ये अपने आप ही अलग हो जाएगा। और ये देखिए, नाश्ते का फर्स्ट बैच यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको प्लेट में निकालते हुए दिखा रही हूँ कि कितना कलर आया है, कितना अच्छा इस नाश्ते का कलर आया है, और कितना कलरफुल और डिलीशियस ये नाश्ता
का बनकर तैयार हुआ है। अब हम यहाँ पर नाश्ते का सेकंड बैच फ्राई करेंगे। तो सेकंड बैच भी फ्रेंड्स आप देखिए, मैं इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर लेके और कढ़ाई में डाल रही हूँ। जितना कढ़ाई में नाश्ता आएगा उतने पीस हम कढ़ाई में डालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 7 से 8 पीस कढ़ाई में डाल दिए हैं और ये देखिए हल्का सा ये सिक गया है। तो सिकने के बाद मैं इसे स्पून की सहायता से इस तरीके से प्रेस कर रही हूँ तो सभी नाश्ते के पीसेस अलग हो गए हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये नाश्ता हल्का सा सिकने के बाद अपने आप ही अलग हो जाएगा। तो शुरू में तो फ्रेंड्स हम डालते हैं तब ये लगता है कि चिपक गया है, लेकिन चिपकता नहीं है, ये बहुत ही अच्छे से सिकने के बाद अलग हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम ये सेकंड बैच भी अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और बहुत ही अच्छे सा इसका कलर आया है और ये सेकंड बैच में नाश्ते का बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं सेकंड बैच भी निकाल लेती हूँ। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने ये पूरा नाश्ता यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना सुपर टेस्टी और डिलीशियस ये नाश्ता बना है। इस नाश्ते को आप कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हो। आप इस नाश्ते को शाम की चाय के साथ में या फिर ब्रेकफास्ट में या फिर फ्रेंड्स इस नाश्ते को आप बारिश के दिनों में बनाकर एंजॉय कर सकते हो या फिर कड़कती सर्दी में भी इस नाश्ते को बना सकते हो। ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी और डिलीशियस लगता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए।